नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। अब जानते हैं हम पिछले एक साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण हर किसी को नया नया इनोवेशन करना पड़ रहा है। मुझे भी आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है और आपसे रूबरू न मिलना, आपके चेहरे की खुशी न देखना, आपका उमंग और उत्साह न अनुभव करना, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन फिर भी परीक्षा तो है ही है, आप है, मैं हूं, परीक्षा है, तो फिर अच्छा ही है कि हम परीक्षा पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे और इस साल भी ब्रेक नहीं लेंगे। अभी हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। एक बात मैं शुरू में जरूर देशवासियों को भी बताना चाहता हूं और गार्डियंस को बताना चाहता हूं, टीचर्स को बताना चाहता हूं, ये परीक्षा पे चर्चा है लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। एक हल्का फुल्का माहौल बनाना है, एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है और जैसे अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे। नमस्कार होनरेबल पीएम सर, मेरा नाम यन पल्लवी है, मैं 9वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। सर, हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि पूरा साल पढ़ाई ठीक चल रही होती है लेकिन जैसे ही परीक्षा निकट आती है बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। कृपया इसके लिए कोई उपाय बताइए सर, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद पल्लवी, मुझे बताया गया है कि इसी तरह का और भी एक सवाल है। सादर अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अर्पण पांडे है, मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल कुआलालंपुर मलेशिया में 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपसे अपनी भावी भविष्य की सफलता हेतु एक प्रश्न के उत्तर की आकांक्षा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसमें मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे मन में आने वाले भय और तनाव से हम कैसे उभरे, कि क्या होगा अगर अच्छे अंक और अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं। धन्यवाद पल्लवी। अर्पण, देखिए आप जब ये फियर की डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? तो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या? तो पहले कभी एग्जाम दी नहीं क्या? आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है, पहले से पता है, साल भर पहले से पता है, अचानक तो नहीं आया है। और जो अचानक नहीं आया है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है, इसका मतलब हुआ कि आपको डर एग्जाम का नहीं है, आपको डर किसी और का है। वो क्या है? आपके आसपास एक माहौल बना दिया गया है कि यही एग्जाम सब कुछ है, यही जिंदगी है और इसके लिए पूरा सामाजिक वातावरण, कभी कभी स्कूल का वातावरण भी, कभी कभी माँ बाप भी, कभी अपने रिश्तेदार भी, एक ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना से आपको गुजरना है, बहुत बड़े संकट से गुजरना है। मैं उन सब से कहना चाहूंगा, खास करके मैं पेरेंट से कहना चाहता हूं, आपने क्या करके रख दिया है?
मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती है। हम आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है। ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं, एक छोटा सा पड़ाव है, हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, यार दोस्त हो, अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस फलेगा, फूलेगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बच्चों को घर में सहज तनाव मुक्त जीना चाहिए। छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें जो रोज करते थे वैसी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले माँ बाप बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे और सहज भी रहते थे और कई विषयों पर इन्वॉल्व रहते थे। आज जो भी इन्वॉल्व रहते हैं वो ज्यादातर कैरियर, एग्जाम, पढ़ाई, किताब, सिलेबस, मैं उसको सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता हूं, और इससे इन्हें अपने बच्चों के असली सामर्थ्य का पता नहीं होता है। अगर माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व है तो बच्चों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति इस सब को अच्छी तरह समझते हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को समझ करके उसको भरने की कोशिश करते हैं, और उसके कारण बालक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसकी स्ट्रेंथ माँ बाप को पता है, उसकी वीकनेसेस माँ बाप को पता है, और उसके कारण माँ बाप समझते हैं कि ऐसे समय वीकनेसेस को बाजू में करो, स्ट्रेंथ को जितना बल दे सकते हो दो। लेकिन आज कुछ माँ बाप इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बच्चों के साथ रियल सेंस में इन्वॉल्व होने का समय ही नहीं मिलता। इसका परिणाम क्या होता है, आज बच्चे के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए पेरेंट्स को एग्जाम के रिजल्ट का सीट देखना पड़ता है, और इसलिए बच्चों का आकलन भी बच्चों के रिजल्ट तक ही सीमित हो गया है। मार्क्स के परे भी बच्चे में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पेरेंट्स मार्क ही नहीं कर पाते हैं। साथियों, हमारे यहां एग्जाम के लिए एक शब्द है, कसौटी, मतलब खुद को कसना है। ऐसा नहीं है एग्जाम आखिरी मौका है, बल्कि एग्जाम तो एक प्रकार से एक लंबी जिंदगी जीने के लिए अपने आप को कसने का उत्तम अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं, जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को घड़ने का एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, उसे उसी रूप में लेना चाहिए। एक्चुअली हमें अपने आप को कसौटी पर कसने के मौके खोजते ही रहना चाहिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। हमें भागना नहीं चाहिए। आइए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम पुण्य सुनिया है, मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद केंद्र विद्यालय निर्जुली, डिस्ट्रिक्ट पापुम्पारे, स्थित अरुणाचल प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ सब्जेक्ट और कुछ चैप्टर से जिनको लेकर मैं सहज नहीं हूँ, उनसे पीछा छुड़ाने में लगी रहती हूँ। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, मैं उन्हें पढ़ नहीं पाती हूं। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। सर, इस स्थिति को कैसे दूर किया जा सकता है? धन्यवाद सर।
चलिए आंध्र से हम मलेशिया, मलेशिया से अब अरुणाचल पहुंच गए और मुझे बताया गया है कि इसी प्रकार का कोई और एक सवाल भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम विनीता गर्ग है और मैं SRDAV पब्लिक स्कूल में 25 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स को डर का सामना करना पड़ता है, इस वजह से वे इनसे बचते हैं। इसके बारे में इतिहास या गणित जैसे विषयों के शिक्षक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टीचर के तौर पर इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ अलग प्रकार का ही विषय मेरे सामने आया। मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स के मन को छू सकूं और टीचर्स की बात पर गौर के साथ कुछ समाधान बता सकूं। आप दोनों ने किसी खास सब्जेक्ट या चैप्टर से डर की बात कही है। आप लोग अकेले नहीं हैं जिनको इस स्थिति का सामना करना पड़ता हो। हकीकत तो यह है कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ये बात लागू न होती हो। मान लीजिए आपके पास बहुत ही बढ़िया 5-6 शर्ट है, लेकिन आपने देखा होगा एक या दो शर्ट आपको इतने पसंद आते होंगे, बार बार पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार हैं, फिटिंग ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। उन दो इतने अच्छे लगते हैं कि आप उसको बार बार पहनते हैं। कई बार तो मां बाप भी इन चीजों के लिए गुस्सा करते हैं कि कितनी बार इसको पहनोगे, अभी दो दिन पहले तो पहना था। पसंद नापसंद मनुष्य का स्वभाव है और कभी कभी पसंद के साथ लगाव भी हो जाता है। और इसमें डर की, दुविधा की क्या बात है कि हमने डरना चाहिए? दरअसल होता क्या है, जब आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं तो उनके साथ आप बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगता है, सहज हो जाते हैं। लेकिन जिन चीजों के साथ आप सहज नहीं होते उनके तनाव में आपकी 80% एनर्जी आप उसी में लगा देते हैं। और इसलिए स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सभी विषयों में बराबर बराबर। आपके पास पढ़ाई के लिए 2 घंटे हैं तो उन घंटों में हर सब्जेक्ट को समान भाव से पढ़िए, अपने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। साथियों, आपने देखा होगा टीचर्स, माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें, ये आम तौर पर ये कहा जाता है। और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है, जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोग भी नहीं है। मैं जरा इन चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए, आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री था तो प्रधानमंत्री बना तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय
थोड़े गंभीर होते हैं। मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूं तो कठिन चीजों से शुरू करना पसंद करता हूं। मुश्किल से मुश्किल चीजें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, तो उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है। मैं चीजों को बिल्कुल तेजी से समझ लेता हूं, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूं। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीजें हैं, दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है, तो चलो भाई अब उनको मैं ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीजों को मैं देर रात तक खींच लेता हूं। लेकिन सुबह जब उठता हूं तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूं। दोस्तों, एक और बात हमें अपने आप से सीखनी चाहिए। आप देखिए, जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं, वो हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है। अब जैसे लता दीदी हैं, लता मंगेशकर जी की पूरे दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान के हर जुबान पे नाम है, लेकिन अगर कोई जाकर के उनको कहे कि आज हमारे क्लास में आइए और ज्योग्राफी पढ़ाइए, हो सकता है वो न भी पढ़ा पाए, पढ़ा भी पाए, मैंने क्या जानता हूं कि वो पढ़ा पाए न पढ़ा पाए, लेकिन लता जी की महारत ज्योग्राफी में शायद न भी हो, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्होंने जो किया हुआ है, एक विषय पर जिस प्रकार से अपना जीवन खपा दिया है, आज वो हरेक के लिए प्रेरणा का कारण बन गई है। और इसलिए आपको भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए, उसे भागिए मत। वहीं टीचर्स के लिए मेरी सलाह ये है, वो विद्यार्थियों से उनको टाइम मैनेजमेंट के संबंध में, उसके तौर तरीके संबंध में, सिलेबस के बाहर जाकर के भी कभी उनसे बातें करें, उनसे चर्चा करें, उनको गाइड करें। विद्यार्थियों को टोकने के बजाय उन्हें गाइड करें। टोकना रोकना, उसका प्रभाव मन पे और ज्यादा नेगेटिव फैलता है। प्रोत्साहित करने से वो कॉन्सेंट्रेटेड ताकत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ बातें क्लास में सार्वजनिक तौर पर जरूर कहें ताकि सबका प्रबोधन होगा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब किसी एक बच्चे को बुला करके चलते चलते थोड़ा सर पे हाथ रख करके बहुत ही प्यार से कहे, बेटे देखो भैया तुम इतने बढ़िया करते हो, जरा देखो इसको जरा थोड़ा ये कर लीजिए, देखिए तुम्हारे में बहुत बड़ी ताकत है, आप देखिए ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, एक काम करिएगा। आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें थी जो कभी आपको बहुत कठिन लगती थी और आज आप उसको बड़ी सहजता से कर पा रहे हैं? ऐसे कुछ कामों की लिस्ट बनाइएगा। जैसे साइकिल चलाना कभी आपको कठिन लगा होगा, लेकिन अब वही काम आप बहुत सरलता से करते लेते होंगे। कभी तैरने की बात आई होगी, बहुत डर लगा होगा, उतरने से भी डर लगा होगा, लेकिन आप अच्छे तरह आज तैरना सीख गए होंगे, और जो कठिन था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। आपके जीवन में ऐसी सैकड़ों चीजें होगी, अगर आप ये याद करके जरा किसी कागज पर लिख लेंगे तो कभी आपको किसी को भी, मुझसे भी कठिन वाला सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई चीज आपको कठिन लगेगी ही नहीं। मुझ पर भरोसा कीजिए दोस्तों, एक बार करके देखिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी वनकम। I am Neelanam, studying 12th standard in Vivekananda Kendra Vidyalaya Matric Higher Secondary School, Kanyakumari. Dear sir, during this pandemic situation, after the online classes, we all get more free time than usual. I would like to know, how can we make the best use of our free time? My thanks to our Honorable Prime Minister for giving this opportunity. Vanakkam.
मम्मी पापा को पता चलेगा ना कि आप परीक्षा के समय में खाली समय की बात कर रहे हैं, तो फिर देखिए क्या क्या होता है। खैर, मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा कि आप एग्जाम के समय भी खाली समय पर ध्यान दे रहे हैं, खाली समय पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। दरअसल खाली समय दो तरह के हो सकते हैं। एक जो आपको सुबह से ही पता है कि आज आप 3 से 4 बजे तक फ्री हैं, या आने वाले रविवार को आप आधा दिन फ्री हैं, या आप 4 तारीख को छुट्टी है, आप दोपहर तक आपके पास कोई काम नहीं, आपको पता है। लेकिन दूसरा वो जिसका पता आपको लास्ट मोमेंट में चलता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे पास खाली समय है, तो आप अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाई से कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको क्या काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। दूसरा, आप सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती है। थोड़ा भारी भरकम शब्द है, स्वांतः सुखाय, जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपके मन को बहलाती है। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब आपने मुझे पूछा है, तो मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या करना पसंद करता हूं। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए, और अगर झूला है, तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया, या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं, तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब आप खाली समय अर्न करते हैं, तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप खाली समय अर्न करें, तो आपको असीम आनंद दें। यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि खाली समय में किन चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो वही चीज सारा समय खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और अंत में रिफ्रेश रिलैक्स होने के बजाय आप तंग आ जाएंगे, थकान महसूस करने लगेंगे। एक और मुझे लगता है कि खाली समय में हमें अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने की, और ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं जो शायद बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपके मां या पिता अगर खाना बना रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कीजिए, नई नई चीजों में अंदर जाने का, कुछ नया जानने का। इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है, पर जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। फ्री टाइम का एक और बेस्ट यूज हो सकता है कि आप कुछ गतिविधियों से अपने आप को जोड़ें, जिसमें आप को एक्सप्रेस कर पाए, आपकी यूनिकनेस को बाहर ले आ सके, जिसमें आप अपनी इंडिविजुअलिटी से जुड़ सके। ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं, और आप भी ऐसे बहुत से तरीके जानते हैं। स्पोर्ट्स हैं,
म्यूजिक है, राइटिंग है, पेंटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक क्रिएटिव तरीका दीजिए, अवसर दीजिए। नॉलेज का दायरा कई बार वहीं तक सीमित होता है जो आपको उपलब्ध है, जो आपके आसपास है, लेकिन क्रिएटिविटी का दायरा नॉलेज से भी बहुत दूर तक आपको ले जाता है, बहुत विस्तार के फर्क पर ले जाता है। क्रिएटिविटी आपको उस क्षेत्र में ले जा सकती है जहां पहले कभी कहीं कोई नहीं पहुंचा जो नया हो। हमारे यहां कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये क्रिएटिविटी की तो बात है। With the world's largest COVID vaccination drive, India is leading the way. As the vaccine reaches every corner of the nation, do not forget the mantra, Dawai Bhi, Kadai Bhi. Let's continue our fight against COVID-19. Vaccination along with social distancing, sanitization and masks. Mask up, India! Put your mask on and cover your nose and be safe. Mask up, India. दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव गांव शहर शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें दो गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकले अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। बैंगलोर से, मेरा सवाल आपसे यह है कि बच्चों को गुड वैल्यू सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? धन्यवाद। मुझे एक सवाल जो आया है वो नमो ऐप पर आया है, उसका विजुअल मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे वो सवाल अच्छा लगा इसलिए मुझे लगता है कि मैं जरूर आपसे शेयर करूं। पटना से सवाल है, प्रवीण कुमार ने पूछा है, सर आज मां बाप के लिए बच्चे बड़े करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कारण है, आज का जमाना और आज के बच्चे, ऐसे में हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों का व्यवहार, आदतें और चरित्र अच्छा हो। प्रवीण कुमार एक जागरूक पिता के रूप में शायद मुझे पूछ रहे हैं, बड़ा कठिन सवाल है मेरे लिए। मैं कहूंगा कि पहले तो आप स्वयं
चिंतन करें, आत्मचिंतन करें। क्या ऐसा तो नहीं है कि जीवन जीने का जो तरीका आपने चुना है, आप चाहते हैं वैसे ही जिंदगी आपके बच्चे भी जिए और थोड़ा सा भी उनमें बदलाव आता है तो आपको लगता है कि पतन हो रहा है, वैल्यूज का ह्रास हो रहा है। मुझे बराबर याद है एक बार मैं स्टार्टअप से जुड़े हुए नौजवानों से मैंने एक समारोह किया तो बंगाल की एक बेटी जिसने स्टार्टअप शुरू किया है अपनी पूरी कैरियर छोड़ करके तो उसने अपना अनुभव बताया, वो मुझे हमेशा याद रहता है। उस बेटी ने कहा कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, कैरियर छोड़ दी और स्टार्टअप शुरू किया और मेरी माँ को जब पता चला तो मेरी माँ ने तुरंत सर्वनाश, यानी इतना माँ को झटका लगा। लेकिन बाद में वो बेटी स्टार्टअप में बहुत सफल रही थी। आपको सोचना चाहिए कि आप अपने भाव विश्व में अपने बच्चों को जकड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं और इसलिए आपका परिवार, आपकी परंपराएं, उसमें मूलभूत मूल्यों को कैसे जोर दें हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे हमारे यहां कहा जाता है जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये हमारे शास्त्रों में मूल्य के रूप में है। लेकिन आपके घर में पूजा पाठ तो बहुत होती है, दुनिया को दिखता है कि आप बहुत धार्मिक हैं, रिचुअल से भरा जीवन है, लेकिन आप जनसेवा में कहीं नजर नहीं आते हैं। अब जब आपकी संतान यह विरोधाभास देखती हैं, तो उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, सवाल खड़े हो जाते हैं और सवाल उठना स्वाभाविक में है। उसी प्रकार से भी हमारे मूल्य हैं कि जीव मात्र से परमात्मा का वास है। उसी प्रकार से हम सबकी मान्यता है और हमें यह सिखाया गया है, हमारे जीवन मूल्य के रूप में प्रस्थापित हो चुका है और हमारी सोच है कि जीव मात्र में परमात्मा का वास है। लेकिन आपके घर में जो काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा लगाने आते हैं, लिफ्ट चलाने वाला होता है, आपको स्कूल में छोड़ने वाला ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, क्या कभी आपने उनसे उनके सुख दुख की चिंता और चर्चा की है? क्या कभी आपने पूछा कि आपके परिवार में तो किसी को कोरोना नहीं हुआ है ना, आपके परिवार के तो सब सुखी है ना, आप जिस गांव से आए हो उस गांव में तो सब ठीक है ना, क्या आपने कभी पूछा है? अगर आप ऐसा करते तो आपको अपने बच्चे को मूल्य नहीं सिखाने पड़ते। मैं आप पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, एक सामान्य व्यवहार की बात कर रहा। कुछ लोग वाकई ऐसा नहीं करते। बच्चे का बर्थडे होता है, बहुत सारी तैयारियां होती है, कितने लोग अपने घर में काम करने वालों से कहते हैं कि जो भी काम करना है 5 बजे तक पूरा कर दो, 6 बजे जब मेहमान आना शुरू हो जाएंगे तब तुम भी हमारे परिवार के मेहमान के रूप में कपड़े पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके, परिवार के सबको लेकर के आ जाना। आप देखिए आप उनसे क्या कहते हैं। आज घर में बहुत से मेहमान जाने वाले हैं, देर तक रुकना पड़ेगा। आप ऐसा कहने के बजाय क्या कहते हैं, देखो कल बहुत मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है, तुम घर बता के आ जाना, देर से आऊंगा, देर से आऊंगी। यानी आपका बच्चा देख रहा है कि इतना बड़ा उत्सव है घर में, लेकिन वो जो मेरे लिए मेहनत करते हैं दिन रात, वो तो इसमें हिस्सेदार ही नहीं है। और तभी उस बच्चे के मन में टकराव शुरू होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। हम कहते हैं बेटा बेटी एक समान, ये मूल्य है हमारे। हमारे यहां देव रूप की जो कल्पना की गई है उसमें स्त्री भगवान का उतना ही महत्व है, लेकिन हमारे घर के वातावरण में
बेटे और बेटी के बीच जाने अनजाने में जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें असमानता होती है। उसके बाद जब वही बेटा समाज जीवन में जाता है तो उसके द्वारा नारी समानता में कुछ न कुछ कमी की संभावना बढ़ ही जाती है। ये सही है कि परिवार के संस्कार अच्छे होते हैं तो बुराइयां हावी नहीं होती है, लेकिन 19-20 का ही फर्क होता है। बेटा बेटे के व्यवहार में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसलिए हमने जो अपना भाव विश्व बनाया हुआ है वो जब व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तब बच्चों के मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। इसलिए मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास न करें, मूल्यों को जीकर प्रेरित करने का प्रयास करें। आखिरकार बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, जो आप कहेंगे उसे वो करेंगे या नहीं करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना होती है कि जो आप कर रहे हैं वो उसे बहुत बारीकी से देखता है और दोहराने के लिए लालायित हो जाता है। और जब आप इन मूल्यों के साथ हमारे इतिहास, हमारे पुराण, हमारे पुरखों की छोटी छोटी बातों को सहजता से जोड़ेंगे तो बच्चे भी प्रेरित होंगे, आचार व्यवहार में उतरना आसान हो जाएगा। नमस्कार सर, मैं प्रतिभा गुप्ता कुंदन विद्या मंदिर लुधियाना। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें हमेशा काम करवाने के लिए बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, तो हम कैसे उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड बना सकते हैं ताकि वे अपनी चीजें खुद करें? धन्यवाद। आप बुरा न माने तो मैं जरा इस विषय में आपसे अलग राय रखता हूं। मुझे लगता है कि बच्चों के पीछे इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि उनकी रफ्तार हमसे ज्यादा है। ये बात सही है कि बच्चों को सिखाने की, बताने की, संस्कार देने की जिम्मेदारी परिवार के सबकी है, लेकिन कई बार बड़े होने के बावजूद हमें भी तो जरा मूल्यांकन करना चाहिए। हम एक सांचा तैयार कर देते हैं और बच्चे को उसमें ढालने की कोशिश करते रहते हैं और समस्या यहीं से शुरू होती है। हम इसे सोशल स्टेटस का सिंबल बना देते हैं। अक्सर माता पिता अपने मन में कुछ लक्ष्य तैयार कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर बना लेते हैं और कुछ सपने भी पाल लेते हैं, फिर अपने उन सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। हम अपने लक्ष्यों के लिए बच्चों को जाने अनजाने में, माफ करना मुझे मेरा शब्द कहीं कठोर लगेगा, जाने अनजाने में हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंट मानने लगते हैं। और जब बच्चों को उस दिशा में खींचने में विफल हो जाते हैं तो ये कहने लगते हैं कि बच्चों में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की कमी है। किसी को भी मोटिवेट करने का पहला पार्ट है ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग। एक बार बच्चे का मन ट्रेन हो जाएगा तब उसके बाद मोटिवेशन का समय शुरू होगा। ट्रेनिंग के कई माध्यम, कई तरीके हो सकते हैं, अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छा अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। जैसे कि आप चाहते हैं आपका बच्चा सुबह उठ करके पढ़े, आप उसे कहते हैं
बोलते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या आपके घर में कभी ऐसी किताबों की चर्चा होती है जिसमें इनडायरेक्टली सुबह उठने के फायदों की चर्चा हो? हमारे यहां आध्यात्मिक जीवन के लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही उनका दिवस प्रारंभ हो जाता है और वो उसी के नॉर्म्स का पालन करते हैं। तो दूसरी ओर आजकल 5 AM क्लब की भी चर्चा होती है। क्या आपने ऐसी किसी किताब की घर में चर्चा की है या कोई ऐसी मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें इस बारे में वैज्ञानिक तरीके से, तर्कबद्ध तरीके से, इमोशंस के साथ बातें बताई गई हो? ये एक बार करके देखिए। सुबह उठने के लिए बच्चे की ट्रेनिंग खुद ही हो जाएगी। एक बार मन ट्रेन हो गया, मन में बच्चा समझ गया कि सुबह उठने का क्या फायदा है, तो फिर वो खुद मोटिवेट होने लगेगा। यही तो एनवायरनमेंट क्रिएशन होता है जिसकी घर में सबसे ज्यादा जरूरत है। आप बच्चे के बचपन का वो समय याद करिए जब आप उसको गोद में लेते थे। मान लीजिए आपकी जेब में पेन है या आपने चश्मा पहना है, बच्चा उसे खींचता है, चश्मा उतारता है, तो आप क्या करते हैं? आप बच्चे को अगर चश्मा वापस लेने की कोशिश करते हैं तो रोता है, पेन वापस लेने की कोशिश करते हैं तो रोता है, तो समझदार माँ बाप क्या करते हैं? उसको एक बड़ा बॉल उसके सामने खड़ा कर देते हैं, लेकर के खड़े हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है? चश्मे छोड़ देता है, पेन छोड़ता है, बड़ा बॉल खेलने के लिए ले लेता है, न रोता है, आसानी से आप सॉल्यूशन निकाल देते हैं। आप उसका माइंड डाइवर्ट करके उसे ज्यादा पसंद की दूसरी पॉजिटिविटी देकर उसे मोटिवेट करते थे। ये जो काम आपने पहले किया है जब बच्चा बिल्कुल छोटा था, वही काम आप अब भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा, एक दीप से जले दूसरा। आपका बच्चा पर प्रकाशित नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा स्वयं प्रकाशित होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो प्रकाश आप देखना चाहते हैं, वो प्रकाश उनके भीतर से प्रकाशमान होना चाहिए और वो आप के जागरूक सक्रिय प्रयासों से संभव है। आप अपने एक्शंस में जो बदलाव दिखाएंगे वो बच्चे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। यहां एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। बच्चों को कभी भी भय पैदा करके ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कृपा करके ऐसी कोशिश मत कीजिए। एक प्रकार से वो तरीका लगता तो बहुत आसान है, लेकिन इससे एक तरह से नेगेटिव मोटिवेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे ही आपने जो हवा खड़ा किया है वो खत्म हो जाता है, बच्चे का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। और इसलिए पॉजिटिव मोटिवेशन साथ साथ बार बार पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट पर बल देते रहना चाहिए। मोटिवेशन का जो मंत्र बच्चों के लिए है, एक प्रकार से वो हम सबके लिए भी है, मनुष्य मात्र के लिए है। नमस्ते प्राइम मिनिस्टर सर, माय नेम इज तने
and I am a student of Salmiya Indian Model School, Kuwait. Sir, I have a question to ask you that how to prepare ourselves for the battle of life. Thank you, sir. Namo app par Masuri, Uttarakhand, Sriman Asraf Khan ne likha hai. Sir, हम सब जब अपने बड़े कजिन्स या दोस्तों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी स्कूल में तो तुमने जीवन देखा ही कहां है, जीवन की असल कसौटी तो स्कूल से बाहर निकल करके होगी। मेरा सवाल यह है कि आज हम अपने आप को कल की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार करें। तनय, आप तो कुवैत से मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन तनय, कभी किसी ने इस बात को मार किया है कि तुम्हारे जो आवाज है वो गॉड गिफ्टेड है? क्या कभी तुम्हारे माँ बाप ने, कभी आपके दोस्तों ने, कभी आपके टीचर्स ने कभी कहा है कि आपका ध्यान गया है? आज आपका सवाल सुनने के बाद, खैर रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं पक्का मानता हूं कि आपको एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की आवाज परमात्मा ने दी है। कभी उस पर ध्यान दीजिए, ये आपकी बहुत बड़ी विरासत बन सकती है। खैर, मैं तनय की बातों की ओर चला गया, लेकिन जो सवाल आपने पूछे हैं, पहली बात तो ये कि जो लोग आपको ये कहते हैं उनके कहने का तरीका भले ऐसा होता है कि वो आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन मन के भीतर की सच्चाई को देखें तो वो अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर वो अपनी असफलताओं को इसलिए बड़ा बनाकर दिखाता है ताकि उसे एक एस्केप रूट मिल सके, और इसलिए वो दिखाता है कि उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इस विषय में मेरा सीधा सीधा मंत्र है, एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। हां, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है कि दसवीं या बारहवीं के बाद क्या, ये हर बच्चे के मन में होता है और न मैं इससे इनकार कर सकता हूं और न कोई और उससे इनकार कर सकता है। बहुतों के लिए ये सवाल चिंता और निराशा फैलाने वाला हो सकता है। दुर्भाग्य से आज के चकाचौंध भरे युग में सेलिब्रिटी के कल्चर के कारण और उसका प्रभाव होने के कारण स्टूडेंट लाइफ में एक धारणा बन गई है कि जो टीवी पर आता है, जिसकी अखबारों में चर्चा होती है, वैसा कुछ बनना है, वैसा कुछ करना है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन की सच्चाई से ये बहुत दूर है। ये जो प्रचार माध्यमों में हजार दो हजार लोग हमारे सामने आते हैं, दुनिया इतनी छोटी नहीं है। इतनी बड़ी विश्व व्यवस्था, इतना लंबा मानव इतिहास, इतनी तेजी से हो रहे परिवर्तन बहुत सारे अवसर लेकर के आते हैं। जीवन की सच्चाई ये है कि जितने लोग हैं उतनी विभिन्नताएं हैं, जितने लोग हैं उतने अवसर भी हैं। हमें अपनी जिज्ञासा का दायरा बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है, उसको विस्तार देने की आवश्यकता है, और इसलिए आवश्यक है कि दसवीं क्लास में, बारहवीं क्लास में भी आप अपने आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करना सीखिए। आपके आसपास इतने सारे प्रोफेशन हैं,
नेचर ऑफ जॉब्स है और बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स है। खुद को ट्रेन करिए, अपने स्किल बढ़ाइए और उसका लाभ उठाइए। करियर के चुनाव में एक पक्ष ये भी है कि बहुत से लोग जीवन में इजी रूट की तलाश में रहते हैं, बहुत जल्दी वाहवाही मिल जाए, आर्थिक रूप से बड़ा स्टेटस बन जाए, ये इच्छा ही जीवन में कभी कभी, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी अंधकार की शुरुआत भी करने का कारण बन जाती है। फिर ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें सपने पालना और देखना जरा अच्छा लगता है, सपनों में खोए रहना अच्छा लगता है। सपने देखना अच्छी बात है लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रणाम। माफ करिएगा, मेरा सवाल परीक्षा पे आधारित नहीं है पर कृपया करके आप इस पे हंसिएगा नहीं। आजकल के बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाना चाहते, सारा टाइम चिप्स चॉकलेट और जंक पे उनका ध्यान रहता है। आप कृपया करके हमें ये बताइए कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। इसी प्रकार के कुछ और सवाल भी मेरे साथ हैं और ये नरेंद्र मोदी ऐप पर छत्तीसगढ़ रायपुर से सुनीता पॉल जी ने लिखा है। सर, हमारे बच्चों को हम जो टिफिन में देते हैं वे उस चीज को खाते नहीं और हमेशा फास्ट फूड खाने की जिद करते हैं, कृपया इस मुद्दे पर हमारा मार्गदर्शन करें। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं ये सारे सवाल सुनकर के मुस्कुराऊं या जोरों से हंस पड़ूं। अगर इस मुद्दे पर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़े तो शायद इसका समाधान आसान हो जाएगा। हमारी जो ट्रेडिशनल खाने की चीजें हैं मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रति हम सहज रूप से गौरव का भाव पैदा करें, उसकी जो विशेषता है उसकी बात करें, खाना पकाने की हमारी जो प्रक्रिया है, किचन की जो एक्टिविटी है वो घर के बाकी सदस्यों को पता होनी चाहिए कि कितनी मेहनत करने के बाद खाना पकता है। बच्चों के सामने भी ये सारी बातें चर्चा में लानी चाहिए, कैसे खाना पकता है, कितनी देर लगती है, कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उन्हें महसूस होगा कि आखिर कितनी मेहनत का काम होता है और तब जाकर के मेरी थाली भरती है। दूसरा, आज के जमाने में खाने पीने की बहुत सारी वेबसाइट है, हेल्दी फूड की भी कोई कमी नहीं है। क्या हम इनसे भी जानकारियां जुटाकर ऐसी चीजों को लेकर कोई गेम डेवलप कर सकते हैं जो हम हफ्ते में एक बार खेल सके? जैसे गाजर है, कैरेट, उसके इंपॉर्टेंस पर हम बोलें, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं,
क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसा करके देखें। दूसरा, हम सबके घर में जो फैमिली डॉक्टर है वो डॉक्टर एक प्रकार से मित्र होते हैं। जब कभी उनका घर आना हो तो उनकी बातें पूरा परिवार सुने कि किस प्रकार के खाने का क्या महत्व है, न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं, क्या खाना चाहिए, वो बता सकते हैं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम हेरिडिटरी है और उनसे बचने के लिए क्या खाना आवश्यक है। इससे भी बच्चों को फायदा होगा। तीसरा, आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बच्चों में ये क्या आपको तकलीफ हो रही है, खास करके खाने के विषय में टीचर को समझाइए, टीचर को विश्वास में लीजिए। अब देखिए टीचर बड़ी कुशलता से कथा कहते कहते, बात करते करते, हंसी मजाक में उसके दिमाग में भर देगा कि ये क्यों करना चाहिए। और टीचर के कहने का बच्चों पर अलग ही असर होता है। हमें भी कुछ कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। मैंने काफी ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां परिवार में ट्रेडिशनल खाना ही बच्चों को मॉडर्न रंग रूप में बनाकर दिया जाता है, तो उससे बच्चों में भी उसको लेकर एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा होता है। खैर ये मेरे सिलेबस के बाहर का विषय है, लेकिन हो सकता है शायद मेरी कुछ बातें काम आ जाए आपको। दिव्यांका नमस्कार। दिव्यांका क्या पढ़ती हो? जी सर मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ। और पुष्कर की ही रहने वाली हो? जी सर। तो पुष्कर की कोई पवित्र चीज का मुझे वर्णन करोगी, क्या है पुष्कर की विशेषता? पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। हाँ। और जो पुष्कर राज है वह 68 तीर्थों का गुरु है। अच्छा, ब्रह्मा का क्या रोल रहा है? जी उन्होंने पृथ्वी को क्रिएट किया है। अच्छा अच्छा, बताइए दिव्यांका क्या सवाल था आपके मन में? सर मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी मेमोरी एवरेज है, वे किसी भी विषय को कितना भी पढ़ ले वे परीक्षा में उसे याद नहीं रख पाते हैं। सर वे ऐसा क्या करें कि वे उस विषय को याद रख सके? अच्छा, तो आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए। जी सर। देखिए दिव्यांका, आप सबसे पहले अपनी डिक्शनरी से इस शब्द को डिलीट कर दीजिए। आप सोचिए ही नहीं कि आपके पास याद करने की शक्ति नहीं है। अगर आप खुद से जुड़ी कुछ घटनाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, जैसे आपकी मदर टंग। क्या मदर टंग आपने किसी को बहुत ग्रामर के साथ पढ़ाया था क्या, सिखाया था क्या? नहीं सर। आपको याद होगा? नहीं नहीं। क्या स्कूल में आपने सीखी या किताब में कहीं? जी नहीं। हाँ, ये सब सुन करके सीखी। तो यही वो चीजें हैं, जरा सोचिए कि आपको जो पसंद है क्या इन चीजों को याद रखने के लिए आपने कभी कोशिश की थी? वो बातें जिनसे आप पूरी तरह जुड़ गए हैं, मग्न हो गए हैं, वो बातें जो आपका हिस्सा बन गई हैं, आपके विचार प्रवाह का हिस्सा बन गई हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मेमोराइज नहीं है, एक्चुअली ये इंटरनलाइज है। और इंटरनलाइज करना यही इसका एक अच्छा रास्ता है। और इसलिए आपको याद करने पर
जोर देने के बजाय आपको उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। सहजता, सरलता, समग्रता के साथ आपके पास भी वही सारी शक्तियां हैं जो किसी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति के पास होती है। सोचिए, अपने भाई या बहन के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ हो तो वो आपको एकदम याद रहता है, आप उसे भूलते नहीं है। यहां तक कि आपको यह भी याद रहता होगा कि उस समय आपने आपके भाई बहन ने कौन से कपड़े पहने थे, आप खड़े खड़े लड़ रहे थे कि दौड़ते हुए लड़ रहे थे, सब याद होगा, एक एक वाक्य याद होगा। जी सर। यानी इसका एक मतलब यह है कि आप उसमें फुली इन्वॉल्व थे, आप उस क्षण को पूरी तरह जी रहे थे। साफ है कि चीजें याद रहे, प्रॉपरली रिकॉल कर सके, उसके लिए आप जिस क्षण में है उस क्षण में ही रहना और उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताब हाथ में है और मन है खेल के मैदान में, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आगे जाकर आप में से कोई विद्यार्थी अगर साइकोलॉजी पढ़ेगा तो उसमें मेमोरी बाय एसोसिएशन का कंसेप्ट विस्तार से समझाया जाएगा। आप याद कीजिए कि स्कूलों में सुबह असेंबली में राष्ट्रगान होता है, अब जन गण मन हर कोई गाता है, लेकिन क्या कभी आपने जनगमन गाते समय आपने उस राष्ट्रगान के साथ देश में ट्रैवल किया क्या? आप उसके साथ जो शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ अपने आप को विजुलाइज कर पाए थे, नहीं कर पाए? पंजाब को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, बंगाल को, मन ही मन राष्ट्रगान गाते समय ट्रैवल किया क्या? आपको एकदम से याद होना शुरू हो जाएगा, मन ही विजुलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इसका तो एक फायदा और होगा, आप इस देश के साथ भी एकाकार होते चले जाएंगे। यानी इन्वॉल्व, इंटरनलाइज, एसोसिएट और विजुलाइज, मेमोरी को शार्प करने के लिए इस फॉर्मूले पर आप चल सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपके पास नोटबुक्स होती हैं, अलग अलग विषयों की किताबें होती हैं। आप जब भी घर से निकले ये तय करके निकले कि बैग में इतने नंबर पर इस विषय की नोटबुक होगी और इतने नंबर पर इस विषय की किताब होगी, चौथे नंबर पर हो सकती है, तीसरी पर हो सकती। और आपने अगर तीन नंबर पर हिस्ट्री की किताब रखी, पांच नंबर पर भूगोल की किताब रखी, तो जब भी आप हिस्ट्री की किताब निकालने जाएं, तो बिल्कुल आंख बंद करके तीन नंबर की किताब निकालते हैं आप, देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। चलिए, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने का मौका मिला और मैं राजस्थान के लोगों को भी और पुष्कर की पवित्र धरती को भी आज यहां से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। With the world's largest COVID vaccination drive, India is leading the way as the vaccine reaches every corner of the nation. Do not forget the mantra, Dawai bhi, kadai bhi. Let's continue our fight against COVID-19. Vaccination along with social distancing, sanitization and masks. Mask up, India! Put your mask on and cover your nose and be safe. Mask up, India. दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव गांव, शहर शहर, लेकिन जब इतना किया है सब्र
तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर, ना छोड़ें दो गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर, रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर, कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। इंडिया, दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर याद करते हैं तो वह हमें अच्छी तरह से याद हो जाता है, लेकिन जब हम स्कूल में लिखना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन पेपर को देखकर ही हम अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। सर कृपया करके यह बताइए कि ऐसा क्यों होता है। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम क्या? सुहान सहगल। अच्छा सहगल जी, आप पढ़ते कहाँ हैं? एल्गोन इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, ये सवाल पहले किसी को पूछा है? नहीं सर। नहीं पूछा? मम्मी पापा को पूछा? नहीं सर। टीचर को पूछा? नहीं सर। लो बड़े कमाल के हो यार, नहीं मिला क्या तुम्हें? लेकिन आपका सवाल मैं समझता हूँ ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में रहता है। जब मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ता था ना, तो ये बात तो मन में रहती थी कि यार पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है। देखिए, परीक्षा हॉल में जाते समय आपको अपने मन को बिल्कुल शांत करके जाना चाहिए। मैं अभी टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहा हूं, इतना शांत आपका चेहरा है, इतने विश्वास के साथ आप बैठे हैं, मुस्कुराते भी हैं। ये जो अवस्था है ना, एग्जामिनेशन में जाए ना तब भी ऐसा ही रहिए, आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपका मन अशांत रहेगा, चिंता में रहेगा, आप घबराए हुए रहेंगे, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होगी कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको अपनी सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर छोड़कर जाना चाहिए, और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जितनी तैयारी आपको करनी थी आपने कर ली है। अब आपका फोकस प्रश्नों के अच्छे से उत्तर देने में होना चाहिए। आप इस बात से भी नहीं घबराइए कि कुछ नया आ गया तो क्या होगा, कुछ ऐसा आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्या होगा। और मैं सभी को कहूंगा, परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए बिना टेंशन लिए परीक्षा देने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे उपाय आपको एग्जाम वॉरियर बुक में दिए गए हैं। और अभी भी एग्जाम वॉरियर बुक को एक मैंने नया एडिशन, मुझे कोरोना में थोड़ा समय मिल गया तो मैंने इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी किया है, कुछ एडिशन भी किया है। इस बार इसमें बच्चों के लिए ही मंत्र नहीं है, बल्कि मैंने पेरेंट्स के लिए भी काफी कुछ लिखा है
कई सारी एक्टिविटीज नमो ऐप पर भी दी हुई है। आप इसमें पार्टिसिपेट करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मुझे विश्वास है थोड़ा सा प्रयास कीजिए, मन में से निकल जाएगा और आपको पक्का फायदा होगा। और आपके साथियों और मैं आपसे चाहूंगा कि आपको जब भी फायदा हो तो मुझे लिख करके दीजिए, एग्जाम वॉरियर पढ़ करके मुझे चिट्ठी लिखिए। लिखोगे ना? जी सर। वाह शाबाश, थैंक यू सर। नमस्ते जी। मेरा नाम भार्गव पोपट है, मैं गुजरात अहमदाबाद के ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल स्कूल संस्कार धाम के कक्षा 11वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। श्रीमान, इस कोरोना काल में उद्योग व्यापार सरकार को भी तकलीफ आई होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि विद्यार्थियों को क्या तकलीफ आई? सर, इस संकट को मैं अपने जीवन में किस रूप में याद रखूं? ऐसा लगता है कि हम छात्रों का एक साल निरर्थक हो गया हो। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? आपका मार्गदर्शन हमें दिशा देगा, धन्यवाद। धारवी आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई कोई है? छोटी बहन है, है? छोटी बहन है सर। छोटी बहन है, अच्छा जी सर। छोटी बहन को ऐसे ही डांटती हो जैसे अभी कह रही थी? नहीं सर। है? ऐसे आंखें खोल करके बोल रही थी? अच्छा, साबरमती आश्रम पहले आई थी कि आज पहली बार आई? सर फर्स्ट टाइम आई हूँ आज। फर्स्ट टाइम आई हूँ। कितने साल से अहमदाबाद में रह रही हो? 6 years सर। अच्छा, तो 6 साल से रह रही हो और आपको कभी मन नहीं कर गया कि भारत की आजादी का इतना महत्वपूर्ण स्थान वहाँ कभी जाना चाहिए? आज तो सुबह से आ गए होंगे आप लोग? जी सर बिल्कुल। तो आपने देखा क्या, आज सब चीजें देखी क्या? हाँ सर देखी। मन को शांति का अनुभव हुआ? हाँ सर बहुत शांति का अनुभव हुआ। देखिए, जाकर के अपने संस्कार धाम के दोस्तों को भी कहो कि साबरमती आश्रम जाना चाहिए, और अपने परिवार और मित्रों के भी कहो कि साबरमती आश्रम जाना चाहिए और वहाँ की शांति का अनुभव करना चाहिए। कुछ पल मौन वहाँ बैठना चाहिए। करोगे? हाँ सर। अच्छा, अब चलिए आपके सवाल पर आता हूँ। मैं तो एकदम से धार्मिक को उपदेश ही देने लग गया था। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक कोरोना का प्रश्न है, मैं तो इसे इस रूप में देखता हूं कि जो गलती आपने नहीं की उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। ये आपके लिए जीवन की एक सीख है कि कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, अकल्पनीय घटता है, और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बचपन के लिए तो 1 साल का नुकसान बड़ी इमारत की नींव में एक खालीपन जैसा है। इस कमी को भरना आसान नहीं है। स्कूल एज मतलब हंसना, खेलना, मिट्टी में खेलना, मिट्टी उछालना, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर चीज का आनंद, दोस्तों के साथ, क्लासरूम में टीचर के साथ गप्पे मारना, बातें करना, घर की छोटी सी भी घटना चारों दौर एकदम से बता देना, उनके बीच रहना, ये सब जीवन की विकास यात्रा के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इन सब चीजों से आप सहज ही कितना कुछ सीख सकते हैं। आपको भी लगता ही होगा, कोरोना काल के पहले का समय आप याद करते होंगे तो सोचते होंगे कि कितना कुछ मिस किया है। लेकिन कोरोना काल में अगर काफी कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। कोरोना की सबसे पहली सीख तो यही है कि आपने जिस चीज को
जिन जिन लोगों को मिस किया उनकी आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है ये इस कोरोना काल में ज्यादा पता चला है। आपको इस बात का एहसास हुआ कि किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। खेलकूद हो, स्कूल में फिजिकल क्लासेज हो, या फिर आपके घर के पास सब्जी बेचने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले, पास के बाजार के दुकानदार, जिन लोगों को, जिन बातों को आपने रूटीन समझ लिया था, उनका जब मिस करते हैं तब उनका सबका महत्व हम सबको अनुभव होता है, आपको भी पता चला है। इसलिए इस दिशा में आपको लगातार जागरूक रहना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इस लेसन को याद रखना चाहिए। कोरोना के बाद भी इन चीजों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको यह भी याद रहना चाहिए, जीवन को सच्चे अर्थ में जीने के लिए कितनी कम चीजों की जरूरत होती है। दूसरा, इस एक साल में आपको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपको खुद के भीतर झोंकने का, खुद को जानने का एक अवसर भी मिला होगा। कोरोना काल में एक और बात ये भी हुई है कि हमने अपने परिवार में एक दूसरे को ज्यादा नजदीकी से समझा है। कोरोना ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर किया, लेकिन परिवारों में इमोशनल बॉन्डिंग को भी इसने मजबूत किया है। कोरोना काल ने यह भी दिखाया है कि एक संयुक्त परिवार की ताकत क्या होती है, घर के बच्चों के जीवन निर्माण में उनका कितना रोल होता है। मैं चाहूंगा कि सोशल साइंस के लोग, हमारी यूनिवर्सिटीज इस पर रिसर्च करें, कोरोना काल के फैमिली लाइफ पर स्टडी करें, कैसे इस संकट से मुकाबला करने में संयुक्त परिवार ने समाज को ताकत दी, इस पहलू को खंगाले। कोरोना आने के बाद ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा, पौष्टिक भोजन, साफ सफाई, इम्यूनिटी, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर हम सबका ध्यान गया है, इन सब के लिए लोगों ने जो जो किया वो अगर पहले से करते आ रहे होते तो शायद परेशानी इससे भी कम होती। लेकिन अच्छा है अब ये बदलाव लोगों ने अपने जीवन में शामिल कर लिया है, और इसलिए मैं यही कहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है कि परिवार के बच्चे ऐसे गंभीर पहलुओं पर सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। नमस्कार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं कृष्टि सैकिया केंद्र विद्यालय आईआईटी गुवाहाटी की 10वीं कक्षा की छात्रा हूं और समस्त असमवासियों की ओर से आपको प्रणाम। सर, मेरी पीढ़ी की एक बच्चे के तौर पर हम अपने पेरेंट्स और अपने बीच की जनरेशन गैप को हमेशा कम करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सर, हम ये किस प्रकार कर सकते हैं, कृपया अपने मार्गदर्शन दीजिए। क्या नाम बताया बेटा? सर, कृष्टि सैकिया। इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेती हो? धन्यवाद सर। चलिए, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। एक विद्यार्थी के रूप में आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं। ये बताता है कि आप उस मुद्दे को लेकर कितने संवेदनशील है। आप न केवल इस विषय को समझ रहे हैं बल्कि दो पीढ़ियों के बीच जनरेशन गैप कम हो इसका भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे पेरेंट्स से इस विषय पर बात करनी है। एक बात जो पेरेंट्स को डिसाइड करनी है,
क्या वो बुढ़ापे की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपनी उम्र कम करना चाहते हैं। और आप भी बेटा अपने मम्मी पापा को जरूर ये सवाल पूछना, अगर पेरेंट्स बुढ़ापे की तरफ जाना चाहते हैं तो बेशक अपने बच्चों के साथ डिस्टेंस बना ले, गैप बढ़ाते रहें। अगर आपको नवजीवन की ओर आगे बढ़ना है, अपनी उम्र घटानी है, युवा बने रहना है, तो आप अपने बच्चों के साथ गैप कम कीजिए, क्लोजनेस बढ़ाइए, ये आपके फायदे वाला है। आप याद करिए, जब आपका बच्चा 1 साल की उम्र का था तो आप उसके साथ कैसे बातें करते थे, तब आप उसे हंसाने के लिए कैसी कैसी आवाजें निकालते थे, आप अपने चेहरे के भांति भांति के एक्सप्रेशन बनाकर कैसे उससे बात करते थे। ऐसा करते हुए क्या कभी आपने सोचा कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कभी आपने सोचा कि लोग आपको ऐसा करते हुए देखेंगे तो ये कहेंगे ये कैसे चेहरे बना रहा है, कैसी आवाज निकाल रहा है? क्या कभी उस समय आपने ये सोचा कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा? आपको उस समय आनंद आया इसलिए आपने ये किया, आपने किसी की परवाह नहीं की। यानी आप सब कुछ छोड़कर खुद एक बच्चे बन गए, बच्चे से खेलने के लिए आप खुद खिलौना बन गए और बच्चे के खिलौने से भी उतना ही चाव से खेले। आप याद करिए, कभी आप घोड़ा बने होंगे, कभी बच्चे को पीठ पर बिठाकर चले होंगे, कभी कंधे पर बिठाकर घर भर घूमे होंगे, कभी 4 पैर करके चले होंगे, बच्चा रोया होगा तो उसे चुप कराने के लिए आप भी झुटमुट कर रोए होंगे। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देखने वाला क्या कहेगा, घर के बाकी लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, कुछ नहीं सोचा। क्या कभी सोचा था? आप उसका आनंद लेते हैं और ऐसा बच्चे के 5-6 साल की उम्र तक चलता रहता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो एक लेवल पर मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि माँ बाप बच्चे को डोमिनेट करना चाहते हैं, बच्चे को हर चीज सिखाना चाहते हैं। अचानक जो दोस्त थे वो दोस्त न रहकर बच्चे के इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं और कभी कभी इंस्पेक्टर भी बन जाते हैं। साथियों, बच्चा जब बाहर की दुनिया में पैर रखता है तो बहुत सी बातें ऑब्जर्व करता है। घर में जो देखा था उससे कुछ ज्यादा, कुछ अलग, कुछ नया वो देखने लगता है। उस समय आपकी ये जागरूक जिम्मेदारी है कि उस नए वातावरण में आपका बच्चा और अधिक फले फूले। और इसका उत्तम तरीका है कि आप उसके मन से जुड़े, उसके मन से ही करें और उसकी हर बात को इमोशनली अटैच होकर के सुने। ऐसे नहीं फोन कर रहे हैं और वो बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसके साथ जुड़िए। आपको जो पसंद नहीं, अगर वो काम आपका बच्चा करके आया है तो उसे डांटिए मत, टोकिए मत, बस सुनते रहिए। सुनते समय उसको लगना चाहिए कि आप उसको कितना प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं है उसको मन में रजिस्टर करके रखिए। और ये ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए करना बहुत जरूरी होता है। आप जितना हो सके उसकी बात सुनिए, उसकी बात समझिए। आप इंस्ट्रक्टर बनकर उसे सुबह से शाम तक क्या करना है ये मत समझाइए। बार बार ये मत पूछिए कि मैंने ये कहा था, क्या क्या किया। बस अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए,
उस पर ध्यान रखिए। उसमें सुधार से जुड़ी जो बातें आपने रजिस्टर की है, जो आपको ठीक नहीं लगा, उसे ठीक करने के लिए बहुत विचार करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, ताकि उसे खुद ही लगे कि वो कहां गलत कर रहा है। जब माँ बाप बच्चों के साथ हम उम्र बनकर ही जुड़ते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है। जैसे बच्चा कोई नया गाना सुन रहा है, कोई नया म्यूजिक सुनकर आनंद ले रहा है, तो आप भी उसके साथ उस आनंद में शामिल होने की कोशिश करिए। आप उसको मत कहो कि 30 साल पहले हमारे जमाने में तो वो गाना था, हम वो बजाएंगे। नहीं, ऐसा मत करो। वो जो गाना उसको पसंद है, आप उससे जुड़िए, आनंद लीजिए ना। ये समझने की कोशिश तो करिए कि आखिर ऐसा क्या है उस गाने में कि आपका बच्चा उसे पसंद कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं ठीक इसी समय कुछ माता पिता ये कहने लगते हैं कि ये क्या बेकार का गाना सुन रहे हो, असली म्यूजिक तो हमारे समय में होता था, अब तो जो बनता है वो सिर्फ शोर शराबा होता है। होता क्या है कि बच्चा आप पर आकर के आपको कोई बात बताता है, वो बताता है कि आज कुल में हमने ये किया, तो कहीं आप अपनी ही कहानी लेकर तो नहीं बैठ जाते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही, क्या है, क्या नई चीज है, ये तो वैसा ही है। अपने बच्चे के साथ उसकी जनरेशन की बातों में उतनी ही दिलचस्पी दिखाइएगा, आप उसके आनंद में शामिल होंगे, तो आप देखिएगा जनरेशन गैप कैसे खत्म हो जाती है। और शायद जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो उसके समझ में भी आ जाए। और इसलिए जनरेशन गैप को कम करने के लिए बच्चों और बड़ों को एक दूसरे को समझना होगा, खुले मन से गपशप करनी होगी, खुलकर बातें करनी होगी, समझना होगा, सुनना होगा, और फिर आपको बदलने की तैयारी भी रखनी होगी। चलिए, असम से इतना बढ़िया सवाल मुझे मिला, जरा मैं लंबा ही जवाब दे गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। नमस्ते। I am Shyan Roy of class 10. I study in Central Middle School, Barakpur, Kolkata. Sir, in the exam season, what scares us more is that what happens after exam? What will happen if our result does not come so good? Is failure in examination is actually the failure in our life too? अरे यार, ऐसा कैसे सोचते हो? हैं? अगर आप एग्जाम वॉरियर किताब पढ़ते तो ये सारे सवालों के जवाब आप खुद ही लोगों को दे देते। लेकिन आपका सवाल महत्वपूर्ण है और शायद ऐसे सवाल बार बार उठते भी हैं और बार बार जवाब देने भी होते हैं। एक बार कहने से बात बनने वाली नहीं है। और मैं ये बात पूरे खुले मन से कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में सोचने का दायरा इतना सिमट गया है। परीक्षा में आपके जो नंबर आए वो आपकी योग्यता का पैमाना नहीं हो सकते। भारत ही नहीं, दुनिया में आप ऐसे बहुत से सफल लोगों को देखेंगे जो क्लास में नंबरों में भले अच्छे नहीं थे, लेकिन आज वो अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ है। ये परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है। इस परीक्षा में नंबर कम आने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, भविष्य में आपको जिस एक चीज से आपको बचकर रहना चाहिए उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक नई तरह की कुरीति आ रही है समाज में, जिसे हम डेस्टिनेशन फीवर कह सकते हैं। मतलब दूसरे अगर किसी एक डेस्टिनेशन पर हैं तो उन्हें देखकर अपना डायरेक्शन तय करना। आपका कोई रिश्तेदार कहीं जाकर सफल हुआ,
आपको लगता है वहां जाकर आप भी सफल हो जाएंगे, कोई असफल हुआ तो आपको लगता है हम भी उसी फील्ड में गए तो असफल हो जाएंगे। हमें लगता है वो स्टूडेंट इस दिशा में गया, इस क्षेत्र में गया, ये बना, उस क्षेत्र में उसने ये नाम कमाया, तो हम भी वही करेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा। ये सोच सही नहीं है दोस्तों। इसी सोच का परिणाम है कि बहुत से स्टूडेंट्स इतने तनाव में जी रहे हैं। आप जो पढ़ते हैं वो आपके जीवन की सफलता और विफलता का पैमाना सिर्फ यही एकमात्र नहीं हो सकता। आप जो जीवन में करेंगे वो आपकी सफलता और असफलता को तय करेंगे। आप लोगों के प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर, माता पिता के प्रेशर, इन सब से बाहर निकलिए। हमें पोटेंशियल को जानने के लिए मैदान में कूदना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे वर्चुअली मिलने का मुझे मौका मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाकई मुझे बहुत आनंद आया आप सबसे बात करना। मेरे लिए भी एक उमंग से कम नहीं होता है, आनंद से कम नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप सभी को भी जरूर उसमें से कुछ न कुछ बातें काम आएगी। जरूरी नहीं है कि मैंने जो कहा है उसी पर चलना चाहिए। सोचिए, अपने तरीके से सोचिए। साथियों, आज मैं आपको एक बड़े एग्जाम के लिए तैयार करना चाहता हूं। ये बड़ा एग्जाम है जिसमें हमें 100% मार्क लेकर के पास होना ही है। ये है अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये है वोकल फॉर लोकल को जीवन मंत्र बनाना। मेरा एक आग्रह है, जब आपकी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो जाएं, तो परिवार के लोगों के साथ मिलकर एक लिस्ट बनाएं। सुबह से लेकर रात तक आप जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं उनमें से कितनी चीजें विदेशी धरती पर बनी हैं और कितनी चीजों में भारत मां की मिट्टी की सुगंध है, कितनी चीजें किसी देशवासी की मेहनत से बनी है। इसके अलावा एग्जाम के बाद के लिए एक टास्क आपको देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारा देश आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव में हमारे स्वाधीनता सेनानियों के बारे में आप सब लोग जाने, आजादी की लड़ाई के बारे में जाने। इसके लिए देश ने एक अभियान शुरू किया है। आपको इस अभियान से जुड़ना है। आप अपने राज्य की आजादी की लड़ाई से जुड़ी 75 घटनाएं खोजकर निकालिए। ये किसी व्यक्ति के संघर्ष में जुड़ी हो सकती है, किसी क्रांति वीर से जुड़ी हो सकती है। इन घटनाओं को आप अपनी मातृभाषा में विस्तार से लिखिए। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में लिख सके तो भी अच्छा होगा। आप इसको साल भर का प्रोजेक्ट बनाइए और डिजिटल तरीके से इसे कैसे करें इसके लिए अपने टीचर से भी गाइडेंस लीजिए। आप अपने टीचर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से बात करिए। आप क्या कर सकते हैं इस पर चर्चा करिए। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है, मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है, मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। आप खुद भी देखिए, जब हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य देश की सेवा से जुड़ जाते हैं तो हम करोड़ों जीवनों से जुड़ जाते हैं। इसलिए बड़े सपने रखने हैं, देश के लिए सोचना है। मुझे पूरा भरोसा है
आप ये एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे, उसके बाद जीवन में बहुत आगे जाएंगे। इसलिए खूब पढ़िए, खूब खेलिए, खूब मस्ती करिए। रिजल्ट के बाद मुझे अपने संदेश भी जरूर भेजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी मेरे युवा साथियों का, नन्हे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक अनेक शुभकामनाएं।